एग्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज लाइव प्रो कार्यक्रम में हमारे साथ है सूरत के फैजान पटेल, जो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। फैजान जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस लाइव इंटरव्यू में। और फैजान जी, अभी अभी दिल्ली में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई फैजान जी आपको, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थोड़ी सी उनके बारे में मैं आपको और बताना चाहूँगी कि भारतीय पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से दिल्ली में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में फैजान पटेल, जो सूरत के हैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने गुजरात की तरफ से 75 बॉडी वेट ग्रुप में 125 केजी बेंच प्रेस और 222.5 केजी डेडलिफ्ट खेल के गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हमारे सूरत की और गुजरात के लिए बहुत ही गौरव भरी बात है, गौरव की बात है, प्राउड करना चाहिए उनके लिए। और जैसे देखा जाए तो सूरत में सभी चीज़ों में आगे है हमारे सभी लोग। जैसे आजकल खेल की हम बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स में बहुत कुछ ऐसा कुछ आता है, जैसे ये इन्होंने बेंच प्रेस, पावर लिफ्टिंग, डेड लिफ्टिंग ये सब तो किया है, उनके साथ में बहुत कुछ आता है, वॉलीबॉल आता है, आर्चरी आता है। अभी अभी आर्चरी में भी बहुत सारे लोगों ने, सूरत के लोगों ने नाम रोशन किया है सूरत का। और क्रिकेट तो मेन है, क्रिकेट भी हमारे सूरत में ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो एक दिन हमारे सूरत का नाम रोशन करेंगे। तो ऐसे हमारे फैजान जी से मैं आप सबको मिलवा रही हूँ। और फिर से फैजान जी, आपका स्वागत है। और ये आपने जो गोल्ड मेडल जीता है, वो कैसे जीता और किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचे, वो हमारे दर्शकों को बताएं। गुड इवनिंग जी। मैडम ने जो बताया, थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी है। नहीं, इतना नहीं। अभी मेरा प्लानिंग नेशनल का जो था, वो काफ़ी टाइम से चल रहा था। और लॉकडाउन के 3 महीने पहले, जब लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, उसके 3 महीने 4 महीने पहले से प्लानिंग चल रहा था, प्रैक्टिस चल रही थी। और खेलने जाने वाला था, और लॉकडाउन हो गया था, फिर वापस से मेरे को 6 महीने 7 महीने का रेस्ट लेना पड़ा। वापस से फिर ट्रेनिंग चालू करी मैंने लॉकडाउन फिनिश होने के बाद। वैसे घर पे तो ट्रेनिंग कर ही रहा था पूरे लॉकडाउन में। जैसे फिर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की, जो मेरे ट्रेनर है ताज सर, उनके साथ स्टार्ट किया मैंने। और अभी जब दिल्ली में दिसंबर में हुआ था 21 तारीख को, तब हम खेलने गए थे जी। तो वहाँ पे मैंने, जो मैडम ने जैसे बताया लिफ्टिंग का, तो वैसे डेड लिफ्ट किया मैंने, और फुल पावर लिफ्टिंग खेला था, और बेंच प्रेस किया था, जिसमें बेंच प्रेस और फुल पावर लिफ्टिंग में मैंने गोल्ड मेडल लिया, और डेड लिफ्ट खेल के मैंने सिल्वर मेडल लिया जी। और मैडम प्राउड की तो ये बात है कि मैं वहाँ खेलने के बाद, मुझे जब पता चला अभी कि अपना इंटरनेशनल के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया, ये मुझे भी पता चला कि आप इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुए, तो उनके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। बट ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट और मायने रखती है आपके गुरु के ऊपर, क्योंकि आपको जो सिखाता है उसी की वजह से शायद आप वहां तक पहुंचे हैं। Right. तो वो आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु है ताजुद्दीन सैयद, जो मुझे काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, साथ में मोटिवेशन भी मुझे कर रहे हैं, मोटिवेट भी वही कर रहे हैं। कभी कभी फाइनेंशियली तकलीफ आती है, जैसे हमारा जो न्यूट्रिशन होता है काफ़ी महंगा होता है जी, तो उसमें भी काफ़ी मुझे हेल्प मिलती है उनके तरफ से जी। कभी हमने वो बोलते ना, हिसाब नहीं किया है वो न्यूट्रिशन में, तो न्यूट्रिशन भी वही गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट भी वही कर रहे हैं, और उनके वजह से ही, और जो घर पे डाइट भी बनाना पड़ता है, तो फैमिली का सपोर्ट भी है, मम्मी का, सिस्टर्स का जी, जी, तो जी। उनके सपोर्ट से मैं आज नेशनल खेला, और आपकी दुआ अगर रही और आप सबकी दुआ रही तो इंटरनेशनल भी बहुत जल्दी खेलूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़रूर, हमारी दुआ आपके साथ है, और हम भी ऐसा ज़रूर चाहेंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जीत के आए, और सूरत और गुजरात का नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन करें, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं आपको। और आप ये जो आगे आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, और कहाँ जाना है आपको, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तो वैसे तो
सिलेक्शन हुआ है दिल्ली में, जब खेला था तभी सिलेक्शन हो गया था हमारा जी, और खेलने के लिए जाना है यूएसए कैलिफोर्निया, और वहाँ जाना है अभी ये जो मार्च है, मार्च में हमको डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, जो भी हमारा फीस है वो सबमिट करवाना है, जमा कराना है जी। और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है हमको मार्च में पता चलेगा। जी तो आप कैलिफोर्निया यूएसए में अब जाके नेशनल इंटरनेशनल लेवल का वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड खेलेंगे हम लोग चैंपियनशिप आप खेलेंगे जी। और आप कितने लोगों का वहाँ सिलेक्शन हुआ है? आप सूरत से आप एक ही हो या कोई और भी है? वैसे तो अभी मैं हूँ और हमारे जो तासर है जी हम दो तो फिलहाल रेडी है खेलने के लिए, जी बाकी लोगों का अभी तक कोई क्लियरेशन मिला नहीं है, जी फिर भी मार्च तक पता चलेगा और कितने लोग हैं, जी जी शायद दिल्ली से भी है, हरियाणा से भी है जो लोग खेलने वाले हैं, जी बट सूरत से फिलहाल अभी हम दो लोग हैं जी। तो आपको वहाँ जाने के लिए जो खर्चा होता है वो जी। कैसे आप मैनेज करते हैं? खर्चे की तो बात ही मत करो मैडम नहीं बट आप अगर सिलेक्ट हुए हैं, आपको जाना अभी है तो मैनेज अगर मैं इसलिए आपको ये पूछ रही हूँ कि क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मैं काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यू करती हूँ इसलिए मुझे पता है कि जिनके पास टैलेंट है उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। राइट तो कई जगह पे ऐसा होता है कि वो सिलेक्ट होने के बाद भी वो खेलने नहीं जा पाते हैं और अपनी गेम को क्विट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे सूरत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सूरत के जो लोग हैं, सूरत का कहा जाता है कि सूरत डायमंड सिटी है, सूरत टेक्सटाइल सिटी है, और सूरत में जो दानवीर लोग हैं काफ़ी उद्योगपतिज है, तो अगर अगर बताया जाए तो ज़रूर उनको मदद मिल सकती है, लेकिन बताने से भी लोग डरते हैं, हिचकिचाहट होती है उनको कि हम कैसे बताएं और कैसे हम हेल्प ले उनके पास। तो मैं आज मेरे माध्यम के द्वारा जो भी हमारे सूरत के जो बहुत ऐसे उदार दिल वाले लोग हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ऐसे किसी भी टैलेंटेड लोग हैं जो उनको कोई अच्छे लेवल पे जाने के लिए जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है उनको आप ज़रूर हेल्प करें, ज़रूर मदद करें, क्योंकि उनकी वजह से आज वो कुछ लेवल तक नहीं पहुंच पाते हो, उनका जो कैरियर है वो बन नहीं पाता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको हेल्प करें। तो मेरे माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसे फैज़ान जी को भी अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर उनको भी हेल्प करिए, और हमारे चैनल के द्वारा अगर आप हमें भी कॉल करके बताना चाहेंगे, अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर बताएंगे, उनको डायरेक्ट भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की जब बात आती है तो 2,000-5,000 में कुछ नहीं होता है, वो लाखों में बात होती है, और इनका जो जैसे ही कोई भी फील्ड में हम जाते हैं तो खर्चा इतना होता है कि हम आगे जा नहीं पाते हैं। तो ज़रूर मैं चाहूँगी, सबको रिक्वेस्ट अगेन करती हूँ, वापस करती हूँ कि ज़रूर जो भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़रूर आप मदद कीजिए। तो फैज़ान जी, अगर आप भी कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहते हैं या हमारे सूरत के ऐसे जो लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं उनको अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप भी कहिए। जी अभी मैडम जैसे मैं नेशनल खेलने गया था जी, जब नेशनल में मुझे डेरी डॉन जो है, डेरी डॉन और एक मेरी जो कलीग है जो जानता हूँ मैं जिसे हेमा देसाई, उन दोनों ने मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया, फाइनेंशियली पूरा मुझे कैश दिया था, जो भी वहाँ पे मेरा जो खर्चा हुआ वो पूरा उन्होंने किया था जी। तो उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत सारा थैंक यू सो मच उनको, जो उन्होंने सपोर्ट किया तब मैं जाके नेशनल में अचीवमेंट लिया जी। वैसे ही मुझे इंटरनेशनल में कोई अच्छा सा स्पॉन्सर्स अगर देता है तो मैं इससे भी अच्छा अचीवमेंट कर सकता हूँ मैडम जी, जी जी। तो मेरा भी आपने जो बोला वही एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कुछ सपोर्ट करना है तो कर सकते हैं, मैडम को संपर्क कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जी, बस यही है जी। और अगर हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, जो करना चाहते हैं वो तो ज़रूर करें, लेकिन जो नहीं करना नहीं कर सकते तो हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक और काम भी तो कर सकते हैं, ज़रूर ये जो इंटरव्यू आप देख रहे हो उसमें एक लाइक करें या और एक कमेंट भी आप कर सकते हैं, उनको बधाई दे सकते हैं, तो ताकि उनको भी एक
मतलब वो प्रोत्साहित हो जाएंगे और प्रेरणा मिल जाएगी और आगे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फैजान सी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप हमारे यहाँ आए और आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया और हमारे चैनल के द्वारा हमने इंटरव्यू में लोगों को बताया। तो थैंक यू सो मच, और वापस ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि अगेन मैं आपका इंटरव्यू लूँ और आप इंटरनेशनल लेवल के, मतलब इंडिया लेवल के एक गोल्ड मेडलिस्ट बन के आए, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो धन्यवाद मच, जी थैंक यू सो मच। जी तो वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ज़रूर हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आगे और भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच।